डाउटनट ऐप पर आप पूछ सकते हैं कक्षा 6 से 12 तक के मैथ्स का कोई भी सवाल। ओके गाइस, सो हमारे क्वेश्चन में दे रखा है, अ हेमिस्फेरिकल डोम ऑफ अ बिल्डिंग नीड्स टू बी पेंटेड इफ द सर्कमफेरेंस, ये हमारी बिल्डिंग है जिसका डोम जो है इसको पेंट करना है, ठीक है। हमें दे रखा है सर्कमफेरेंस ऑफ द बेस इज 17.6 मीटर, ठीक है। सो अब हमें यहाँ का सर्कमफेरेंस दे रखा है, सर्कमफेरेंस होता है 2πr और ये हमें कितना दे रखा है 17.6, ठीक है। सो यहाँ से हम अपनी वैल्यूज पुट करके अपना रेडियस निकाल लेंगे, ठीक है। अब हमें दे रखा है कि हमें क्या पेंट करना है, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इट, ठीक है। अब हमें इसको पेंट करना है तो ऑब्वियसली हम इसको सिर्फ आउटर साइड पेंट करेंगे, तो हम इसका क्या निकालना है, कर्व सरफेस एरिया निकालना है, ठीक है। सो उसके लिए हमें आर चाहिए होगा, तो हम आर यहाँ से निकालेंगे। सो वैल्यूज पुट करते हैं, 2 × 22/7 इंटू आर इज इक्वल टू 17.6। सो आर आ गया 17.6 इंटू 7/2 × 22, सो दिस इज इक्वल टू 2.8 मीटर। सो हमारा आर आ गया 2.8 मीटर, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, कर्व सरफेस एरिया। सो हमारा सी एस ए का फॉर्मूला होता है 2πr², सो हम यहाँ वैल्यूज पुट कर लेते हैं, तो जगह 2 × 22/7 × 2.8 का स्क्वायर, विच इज इक्वल टू 2 × 22/7 × 2.8 × 2.8, ठीक है। सो दिस इज इक्वल टू 49.28 मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये मीटर स्क्वायर यूनिट इसलिए आएगी क्योंकि हमने एरिया निकाला। अब हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि इसकी प्रिंटिंग कॉस्ट है ₹5 per 100 cm², ठीक है। अब हमारा सी एस ए आया 49.28 मीटर स्क्वायर है, ठीक है। अब मीटर स्क्वायर है तो अगर हम इसको सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे तो हम इसको इंटू हंड्रेड करेंगे, क्योंकि एक बार में सेंटीमीटर फिर सेंटीमीटर स्क्वायर, तो यूनिट आ जाएगी सेंटीमीटर स्क्वायर, तो जगह 4928000 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब हमारे ये तो हमारा सी एस ए आ गया और हमें कॉस्ट क्या दे रखे, ₹5 per 100 cm². सो कॉस्ट ऑफ 4928000 सेंटीमीटर स्क्वायर, इस एरिया को पेंट करने की कॉस्ट क्या आएगी, 5/100 × 4928000, ठीक है। सो दिस इज इक्वल्स टू ₹24,640। सो हमारा कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द डोम आ गया 24,640। डाउटनट ऐप पर आप पूछ सकते हैं कक्षा 6 से 12 तक के मैथ्स का कोई भी सवाल।